नमस्कार, नवग्रह मंथन में स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बात करता हूं। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें सूर्य जब भी मास के मध्य में राशि परिवर्तन करते हैं तो सूर्य का मेष से मीन हर लग्न के ऊपर सूर्य के राशि परिवर्तन का बात करते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का वृश्चिक राशि में जो परिवर्तन होने जा रहा है 16 नवम्बर को 7:15 सायंकाल से 16 दिसंबर 2022 प्रातः 9:00 तक जो चलेगा उसके बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। मेष से मीन तक हर लगन पर इस मास में बुध भी 16 नवंबर से 3 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक धनु में भ्रमण करेंगे, शुक्र जो है 16 नवंबर से 5 दिसंबर वृश्चिक में रहेंगे तथा 5 दिसंबर से 16 दिसंबर धनु में रहेंगे, मंगल वृष में ही भ्रमण करते रहेंगे। बाकी जो बड़े ग्रह हैं शनि राहु केतु बृहस्पति अपनी राशियों में चलने और बदलेंगे नहीं। अब मेष लग्न के ऊपर बात करते हैं कि सूर्य का वृश्चिक राशि में 2022 में जो भ्रमण है वो कैसा रहेगा। आपका वृश्चिक लग्न है या नहीं इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपनी बर्थ डिटेल्स किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के सेंटर के खाने में 1 मेष या एरिस लिखा तो समझिए आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम का अक्षर कोई इनमें से को तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? चू चे चो ला ली लू ले लो आ, ये नाम के अक्षर है तो आपकी बात हो रही है। अब सबसे पहले मेष लग्न की बात करें तो स्वामी मंगल प्रबल चल रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य में क्या होगा, स्वास्थ्य साधारण रूप से उत्तम रहेगा। खान पीन की वजह से लाइफस्टाइल में सावधानी अत्यधिक आवश्यक होगी, अन्यथा स्किन या थोड़ी सी मधुमेह, आइज या लिवर और किडनीज या जो महिलाएं प्रेगनेंसी से जूझ रही हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधानी का समय होगा। और ये जो मैंने बाकी प्रॉब्लम्स बोल रही हैं स्किन डायबिटीज़ और आइज और उधर गुर्दे इत्यादि, ये 5 दिसंबर तक का समय है। 50 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं उनको जेनेटिकल केयर भी रखनी होगी। जेनेटिकल जो पुरानी पारिवारिक बीमारियां हैं यदि वो उनसे जूझ रहे हैं वो चल सकती हैं, पर जो बाकी मैंने बीमारियां बोली 50 वर्ष से आयु के लोगों को उनमें संभलना होगा। 30 दिसंबर तक आपको ट्रैवल से जुड़ी सेफ्टी भी लेनी होगी, दुर्घटना थोड़ी संभव हो सकती है। शिक्षा भाग्य और कर्म या जीवन का दूसरा क्षेत्र, विदेश में 5 दिसंबर तक शिक्षा है तो ये बेटर है। देश में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो है 4 दिसंबर तक तनाव रहेगा। देश में प्राइमरी और सेकेंडरी में शिक्षा में तनाव 4 दिसंबर तक रहेगा। भाग्य की बात करें तो कर्म भाग्य की तुलना में बेहतर रहेगा। विदेश में भाग्य थोड़ा सा उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में भाग्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में खतरों से बचाएगा, स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करेगा। धर्म की बात करें तो संस्कार पूजा पाठ कर्मकांड मंदिर इत्यादि जाने में मन नहीं लगेगा, परंतु योग धर्म अध्यात्म साधना में मन लगेगा। सूर्य नमस्कार योग पूरे माह करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी तथा व्यापार, नौकरी में ज़्यादा सावधानी आवश्यक होगी, अनैतिकता से अनुशासन से सावधानी होगी। सूर्य अष्टम में जा रहे सरकारी नौकरी में खतरा हो जाता है, उन्नति में बाधा जाती है। भ्रष्ट धन तथा भ्रष्ट भाषा से कार्यस्थल पर जो है आपको बचना होगा, भ्रष्ट भोजन से भी बचें, कार्यस्थल पर जो है खान पीन में भी शुचिता रखें। व्यापार में 25 नवंबर तक कुप्रबंधन से टर्नओवर में थोड़ी कमी आ सकती है, विदेश व्यापार थोड़ा सा बेहतर रहेगा। मंगल शुक्र तथा बुध के कार्य क्षेत्रों में व्यापार बेहतर रहेगा। मंगल का हो जाता है जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र है आपका, दवाइयों का है, केमिकल्स का है और बिजली का है, खादों का है, आपका भूमि से जुड़े प्रोडक्ट्स का है, तांबे का है, गुड़ का है, खान पीन से जुड़ी चीज़ें हैं, शहद का है और जो गर्म खान पीन का भोजन की व्यवस्था है केटरिंग का उसमें शुभ रहेगा। शुक्र का है पूरा आपका मीडिया एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड वस्तुएं, मीठी वस्तुएं, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि, चॉकलेट्स इत्यादि, सोना चांदी और जो दोपहिया वाहन है उनके क्षेत्र में। बुध जो है कागज़ है, कपड़ा है, कंप्यूटर्स है और आर्किटेक्चर है और इंटीरियर्स हैं, फैशन डिजाइनिंग है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है,
इन सभी क्षेत्रों में व्यापार थोड़ा बेहतर रहेगा। धन तथा आर्थिक अगला क्षेत्र है इस मेष लग्न में। नौकरी में धन स्थिर रह सकता है यदि अनुशासन और रिश्वत इत्यादि से बचे। स्वास्थ्य संतान पिता पर धन व्यय हो सकता है। दुर्घटना तथा धार्मिक कार्यों पर भी व्यय हो सकता है। व्यापार में 5 दिसंबर तक आशा से कम धन आएगा और कम धन प्राप्ति होगी। चोरी दुर्घटना तथा कम टर्नओवर से कम आमद होगी, यानी खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, आमद कम हो जाएगी। टर्नओवर से आमद कम है। क्रोध नौकरी में नहीं के बराबर है, व्यापार में 5 दिसंबर के उपरांत थोड़ी सी नई अपॉर्चुनिटी आएंगी तो ग्रोथ बेटर है। अगला क्षेत्र है प्रेम रिश्ते और विवाह। 5 दिसंबर तक जीवन साथी से तनाव रह सकता है। स्वास्थ्य अथवा धन इसका कारण हो सकते हैं। पारिवारिक अशांति से दाम्पत्य तनाव हो सकता है। 5 दिसंबर तक नए प्रेम संबंधों में धोखा संभव है। रिश्तों में कुंडली मिलान आवश्यक रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। उपाय क्या करें? 25 तारीख तक जो है तारा डूबा हुआ, इसलिए रत्न मंत्र इत्यादि कुछ आरंभ ना करें, पुराना जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। 25 उपरांत सभी उपाय शुभ रहेंगे। शुक्र सूर्य बुध और गुरु के दान लाभकारी रहेंगे। शुक्र के लिए चीनी, सूर्य के लिए गेहूँ, बुध के लिए साबुत मूंग और गुरु के लिए केला तथा चने की दाल का दान जो है आप 16 दिसंबर तक जो भी मंगलवार आ रहा है उसको करेंगे तो शुभ रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।